ग्यारहवें पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, जैसे ग्यारहवें पॉइंट पे मान लो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि एक हमने क्वालिटी इक्वेशन लिखा। देखो क्वालिटी इक्वेशन के बारे में क्या क्या चीजें हैं। एक हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसमें खास बात ये है ना, देखो खास बात इसकी ये है कि हमको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि इफ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक बात ध्यान देना कि ये जो कोफिशियंट ऑफ लीडिंग कोफिशियंट यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, इफ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन आपका ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए मतलब लीडिंग कोफिशियंट, लीडिंग की फिर कोफिशियंट आपका जीरो नहीं होना चाहिए। सर जी अगर जीरो हो गया तो क्या फर्क पड़ता है? तो बेटा मैं पहले बता चुका हूं, अगर ये जीरो हो गया तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी चीज इतना दिखने लगेगी, जब इतना दिखने लगेगी तो ये लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। तो आपका इस यहां पे एक बात है कि फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपका लीडिंग कोफिशियंट यानी ए का ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। कभी भी क्यूबिक रहेगा तो उसके बारे में बात करेंगे, उसका भी लीडिंग कोफिशियंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये आपका ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो नहीं है तो एक बात हम कह सकते हैं यहाँ पे कि क्या जब जीरो नहीं है तो हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो डिवाइड बाई ए बोथ साइड। तो सर जी अगर जीरो हो जाता तो क्या डिवाइड करने से फर्क पड़ता? तो बेटा हम जीरो को कभी डिनोमिनेटर में नहीं लगाते हैं, क्योंकि वो अपने आप इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो ए जीरो नहीं है तो हम इससे डिवाइड कर दिए दोनों साइड। डिवाइड क्यों किए? क्योंकि एक अच्छी से चित्र बन जाएगी। जरा देखो इसका एक चित्र बनेगा, सी बाई ए इक्वल टू जीरो। इसका मेरा मन है ना ऐसे लिखने का, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए, स्टिल दिस इज प्लस, आपका x प्लस सी बाई ए। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट, जस्ट थिंक, क्या अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाई ए। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? दैट सी बाई ए। तो नाउ यू कैन रिप्लेस माइनस बी बाई ए विथ अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स एंड सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा आई मीन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो नाउ जस्ट रिप्लेस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड ये जस्ट सी बाई ए टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। मतलब ये हुआ, व्हाट डज इट मीन कि आपका मतलब ये हुआ कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे? यहां पे क्या इंपॉर्टेंट बात क्या पता चली कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज सेम एज सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज सेम एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका। बात समझ में आ रही है बच्चों कि जब यानी आपको रूट्स पता होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं कैसे? जस्ट सब्स्टिट्यूट बाय सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड पुट दिस ऑल वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो ये आपका बन जाएगा लाइक अगर मैं एक सवाल दूं, जैसे मैं अगर एक सवाल आपके सामने रखो, सवाल ये हो जाएगा क्वेश्चन, जैसे मान लो कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग। अच्छा अभी भी एक बात और है जहां पे ध्यान हम आपका अभी ध्यान उस तरफ आकर्षित नहीं किए, थोड़ी देर में अभी आकर्षित करेंगे आपका ध्यान। अभी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। सर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा तब क्या होगा? तो स्लाइटली चेंज होगा, हल्का सा चेंज होगा इस इक्वेशन के से, हल्का सा चेंज होगा। तो फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स, और रूट्स हमेशा इक्वेशन के होते हैं, हैविंग रूट्स एज 2 एंड माइनस 4 बाई 3। तो क्या हो जाएगा? दो रूट्स दे रखे हैं, सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स से क्लास, अभी भी हम यही कह रहे हैं कि ये क्लास 10th की चीजें चल रही है, अभी 11th में हम इंटर ही नहीं किए हैं, अभी बस आपका रिवीजन चल रहा है 10th का। तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा आपका 2 माइनस 4 बाई 3, मतलब 2 प्लस माइनस 4 बाई 3, मतलब 2 माइनस 4 बाई 3, ये हो गया आपका 2 बाई 3। आप करके देख लो, 3 2 जा 6 में से 4 निकलेगा 2 बाई 3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 2 इंटू माइनस 4 बाई 3 दैट बिकम माइनस 8 बाई 3। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला क्या है इसका? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मतलब दोनों रूट्स का सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स हाउ मच कितना है? सम ऑफ रूट्स आपका 2 बाई 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? माइनस 8 बाई 3। जस्ट टेक एलसीएम विथ 3, तो नाउ दिस बिकम एक्स 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो।
दिस इज द इक्वेशन हैविंग रूट्स टू एंड माइनस फोर बाई थ्री। बोलो बात समझ में आई बच्चों, जिसके रूट्स आपके हो जाएंगे, अब कितना रूट्स हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा 2 एंड माइनस 4 बाई 3। ये तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात हो गई, आ रही बात समझ में। अच्छा अगर सवाल हम कर रहे थे, एक और सवाल जरा हम कर लेते हैं, हमको एक देर से दिमाग में चल रहा है कि हमने रूट्स पे सवाल किया, जरा एक जीरोस पे सवाल कर लेते हैं, जरा हम एक और सवाल कर देते हैं कि एक और सवाल करते हैं। क्या सवाल है कि इफ 2 एंड माइनस 3, जब स्टार्टिंग में जो पढ़ाया था वो इस 2 एंड माइनस 3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, फाइंड ऑर्डर्ड पेयर पी कामा क्यू। ये P कामा Q ऑर्डर्ड पेयर मतलब कुल मिला के P और Q की वैल्यू निकालना है। तो अगर सवाल में सोचो कि रूट्स दे रखा है, इसका मतलब है कि ये इस वैल्यू 2 और माइनस 3 की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, पर किसके कौन सी जगह को सेटिस्फाई करेगा, x के जगह या p के जगह, दिमाग लगाने वाली बात है। दिमाग लगाने में सिर्फ इतनी बात है कि आप x की वैल्यू क्यों, देखो आप में से ही मैक्सिमम लोग कंफ्यूज जाएंगे कि सर हम x की बात करेंगे या p की बात करेंगे, कहां पे x कहां पे रखना है, रूट्स कौन है। तो बेटा ये इक्वेशन इन x है, ये एक्स क्यूब है, सॉरी ये एक्स क्यूब है, मैं बोला था लेकिन लिखने में मिस हो गया, एक्स क्यूब है। तो ये आपका ये इक्वेशन इन x है, तो पुट x बराबर 2 एंड x बराबर माइनस 3, मेक 2 इक्वेशन एंड जस्ट सॉल्व, गेट वैल्यू ऑफ p एंड q। क्या कैसे, 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 का q माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस p इंटू 2 प्लस q इज इक्वल टू 0, दिस बिकम 8 माइनस 8 कट गया, ये हो गया 2p प्लस q इज इक्वल टू 0, पहला एक इक्वेशन आ गया। नाउ जस्ट पुट x इक्वल टू माइनस 3 पुट करने जा रहे हैं, तो माइनस 3 का ये होल q माइनस 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस p इंटू माइनस 3 प्लस q इज इक्वल टू 0। नाउ सी ये 27 हो गया और ये 18 हो गया, तो माइनस 27 और माइनस 18 प्लस आपका कितना, माइनस 3p प्लस नहीं माइनस 3p प्लस q इक्वल टू 0, 27 और 18 आप जोड़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जोड़ के निकाल चुके होंगे कि ये सर 45 हो रहा होगा। तो 45 इधर भेज दिया, माइनस 45 इधर आ गया, प्लस 45 हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब फर्स्ट को इसी के नीचे लिख लेते हैं, देखते हैं कि क्या संभावना है, क्या चांसेस है, क्या गुंजाइश है, उसी के हिसाब से हम कुछ कर लेंगे। तो सब ट्रैक कर देते हैं, सब ट्रैक करने का मतलब सब माइनस 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 हो गया, ये क्यू कट गया, 3 और ये मिलके माइनस 5p हो गया, और माइनस 5p मिलके 45 हो गया, मतलब p इक्वल टू हो गया माइनस 9, पी माइनस 9 तो क्यू कितना, जरा देखो तो बच्चों कहीं पे रख दो, इसमें रख दो चाहे उसमें, ऊपर वाले पे रख दो, इसमें रख दो, तो माइनस 18 कितना हो गया, माइनस 18 उधर जाके क्या बन गया, प्लस 18, तो ये आपका हो गया प्लस 18, चाहे यहां भी रख के देख लो, यहां रखोगे तो प्लस 27 हो जाएगा, और ये प्लस 27 उधर जाके 42 में 27 निकलेगा तो प्लस 18, तो पी और क्यू तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, यानी आंसर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आंसर लिखेंगे आपका कि माइनस 9, 18 ऑर्डर्ड पेयर, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही बच्चों, ये तो दो छोटे छोटे सवाल हमने कराया, जरा आओ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब ये बोर्ड को मिटाया जाए भाई। 12 नंबर का पॉइंट बच्चों जरा देखते हैं, हमने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स के टर्म में क्या लिखा, अभी क्या जस्ट लिखा हमने कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इज प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये बात लिखा हमने। अगर थोड़ा सा इसको हम एक्सपेंड करें तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सिर्फ ये भी बेसिक है इसलिए मैं इतना आराम से भी चल रहा हूं, ये है एक्स माइनस अल्फा माइनस बीटा, आपने कॉमन किया तो क्या हो गया एक्स माइनस अल्फा, ओहो एक्स माइनस अल्फा क्या हो गया आपका कॉमन, x माइनस अल्फा हुआ आपका कॉमन, यहां बच गया x माइनस बीटा इक्वल टू 0, क्या बात है, इसका मतलब फैक्टराइज फॉर्म में आ गया क्या, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के टर्म में फटाफट यही आप लिख सकते हैं। तो ये आपने लिख लिया x माइनस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अभी किसको लिखा है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होता सवाल भी करेंगे, 13 नंबर पे जरा आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो क्या होता,
सवाल भी करेंगे इस पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो इसको हम लिखते कि पी एक्स या एफ एक्स इज इक्वल टू लिखते ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी भी यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखते। अभी इसके जीरोज, मैंने इसके कहा कि जीरोज अल्फा और बीटा है, मैंने एक बात बोला था कि जीरोज और रूट में कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ फर्क इतने का होता है लिखने का तरीका है। अगर बराबर जीरो कर देंगे तो ये हो जाएगा रूट्स, अगर बराबर जीरो नहीं किए तो ये है आपका पॉलीनोमियल के जीरोज। तो अभी आपका ये है तो यहां से भी अभी भी स्टिल ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो है, तो हम ए को क्या कर लिए पूरे में से कॉमन कर लिए, तो पूरे में से कॉमन करते ही ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। इस बार कोई बराबर जीरो नहीं है कि a जाके इधर जाके जीरो हो गया, इस बार a यहाँ का यहाँ पड़ा रहा, खड़ा रहा, तब तक खड़ा रहेगा, डटा रहेगा जब तक कि आप इसको इक्वेशन न बोल दो, यानी पॉलिनोमियल बोले रहोगे तो ये पड़ा का पड़ा ही रहेगा। आ रही बात समझ में? यानी जब भी आपसे किसी सवाल बोलेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो आप ये गलती नहीं करेंगे कि एक्स स्क्वायर यानी डायरेक्ट इसको नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसको लगाने के बजाय ये वाली बात लिखेंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अभी थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं, क्या स्टिल हम लिख सकते हैं क्या यहां पे px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस आप माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, यहाँ पे हम जरा सा ब्रैकेट चेंज कर देते हैं, प्लस सी बाई ए। अच्छा बच्चों क्या हो गया, यहाँ से ए तो यही रहा, क्या यहाँ पे अगेन एक्स स्क्वायर माइनस इसके जगह पे वही सेम अल्फा प्लस बीटा पुट हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया पुट। क्या इसी को, क्या इसी वाले चीज को हम लिख के ये लिख सकते थे, क्या इसी पूरे को ये बात लिखे है क्या यहाँ पे, देखो तो इस पूरे को हम फिर से लिख दिए, अब पी एक्स को हमने लिख दिया क्या a इंटू एक्स माइनस ए अल्फा और x माइनस बीटा। तो बेटा ध्यान देना, अब यहीं पे ध्यान देने वाली बात हो गई कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेगा तो उसको, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज अल्फा और बीटा है तो ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस केस में हम लिखेंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। ध्यान देना कि क्या फर्क हो रहा है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलता है तो ये बात लिखेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता है तो ये बात लिखेंगे। ये बेसिक सी बात है, ध्यान देना है। जैसे एक छोटे से सवाल की तरफ मैं प्रोसीड कर रहा हूं, जैसे मैं सवाल लिख रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं कि एफ 2 and 3, 2 and 2 and -5 are zeros of quadratic polynomial and quadratic polynomial fx, zeros of quadratic polynomial fx and also satisfy f of 0 is equal to, also satisfy f of 0 equal to आपका 21 find, also satisfy f of 0 equal 21 के जगह पे मैं 25 ले लेता हूं, 21 की जगह पे 25 ले लेता हूं, तो find quadratic polynomial आपसे कह रहा है कि आप तब quadratic polynomial find करें। तो आप देखिए ध्यान से बच्चों, इस बार जीरोज तो दे रखा है, एक्स्ट्रा ये भी कंडीशन दे रखा है, तो quadratic polynomial का जीरोज दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे इसका सोल्यूशन लेते समय क्या करेंगे इसका, यानी सोल्यूशन आप जरा सोच के बताओ क्या आंसर लिखेंगे। सोल्यूशन लेते समय ध्यान देंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात किया है, तो हम एक काम करेंगे इस सवाल के लिए कि आपका पी एक्स इज इक्वल टू ले लेंगे, या एफ एक्स दे ही रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू ले लेंगे कि ये ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्या हो जाएगा ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। फिर आगे फिर और क्या होगा, तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ए तो ए ही रहेगा, बोलो अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां दे रखा है क्या, देखो तो अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों -5, सब सही है। तो ये हो गया आपका ए और एक्स माइनस टू, ध्यान देना बीटा की वैल्यू -5 है, क्या हो गया ये एक्स प्लस फाइव, और यह चीज आपका मिल गया। लेकिन एक और दे रखा है, एक और चीज गिवन है, क्या गिवन है
गिवन है आपका f ऑफ 0 इक्वल टू 25, आई थिंक 25 ही है, हाँ यहाँ पे देखो 25 ही है, ये हो गया a इंटू जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करना है, इसका मतलब ये होता है कि जहां जहां x है वहां वहां ये वाली चीज पुट करनी है, तो x है आपका a पे तो x नहीं है, तो यहां ऐसे रहेगा इस x की जगह पे 0 माइनस 2, इस x की जगह पे 0 प्लस 5 इक्वल टू 25, ये हो गया आपका a इंटू माइनस 2 इंटू 5 इंटू 25, ये इसको काटा 5 बार गया तो a की वैल्यू हो गई माइनस 5 बाई 2, तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग, आंसर लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका a के जगह पे आपका माइनस मतलब f ऑफ x हो जाएगा आपका माइनस 5 बाई 2 और x माइनस 2 और x प्लस 5, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे, यही फर्क है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता तो क्या हो जाता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हो जाती x माइनस 2 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, बोलो बात समझ में आ रहा है, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ध्यान रहे बच्चों कि ये आपका पॉलिनोमियल और इक्वेशन क्या बोल रहा है, बारीकी से सुनना, क्योंकि जो सवाल पूछता है तो उसके बोलने में ही फर्क है, पॉलिनोमियल लिख दिया तो ऐसे बनेगा, इक्वेशन लिख दिया तो आपका बिना ए का बन जाएगा, बात समझ में आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं, बोर्ड मिटाया जाए भाई। 14 नंबर के पॉइंट पे आते हैं बच्चे, अभी तो हम क्वाड्रेटिक पे थोड़ा सा बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा क्यूबिक पे बात कर लेते हैं, हल्का सा क्यूबिक पे बात कर लेते हैं। क्यूबिक पे का मतलब ये हुआ आपका, जैसे कि आपका जैसे मैंने लिखा आपका ए एक्स क्यूब, क्यूबिक इक्वेशन के बारे में, किसके बारे में बात करने चल रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन, मतलब क्यूबिक के नाम से क्लियर है, डिग्री कितना होगा 3, जैसे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब बच्चों के थोड़ा कंफ्यूजन की जगह आ गई, बच्चों के थोड़ा कंफ्यूजन की जगह आ गई, कंफ्यूजन की जगह ये आ गई कि सर आप वहां भी ए बी सी था और यहां भी ए बी सी ही है, तो मैं थोड़ा सा बदलने के लिए, आप बदलता भी नहीं हूं ऐसे रहने देता हूं, चूंकि ये चला आ रहा है, चाहे तो हम इसको बदल सकते हैं लेकिन हम बदल नहीं रहे, बस आपको फील ले लेना है, समझ लेना है कि चीजें हैं क्या, इसके कितने रूट होंगे भाई, कम से कम इसके आपका क्यूबिक है 3 डिग्री है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो रूट आपके 3 हो जाएंगे, मैंने माना अल्फा बीटा गामा 3 रूट हो गए इसके, अल्फा बीटा गामा तो 3 रूट हो गए अल्फा बीटा गामा। अब यहां से भी हमको पता करना होगा, तो हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी पॉलिनोमियल को यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप देखे थे, अगर उसको रूट पता था तो हम लिख पा रहे थे कि एक्स माइनस अल्फा और x माइनस बीटा किसके टर्म में, क्वाड्रेटिक था तो यानी x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्यूबिक हो गया, तो एक और रूट हो गया तो x माइनस गामा लिख पाएंगे। हम डायरेक्ट ऐसा क्यों लिख रहे हैं, हम सॉल्व करने के बजाय इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद अभी पता चलेगा आपको। अब जरा देखो इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस दिन x का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस दिन आपका देखो ये वाला x ये वाला x ये वाला x मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा x क्यूब। अब जरा मेरे साथ साथ कैलकुलेशन देखना, माइनस x स्क्वायर का कोफिशियंट जरा ढूंढते हैं, x स्क्वायर कोफिशियंट देखो ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा और इसका अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो एक माइनस अल्फा x स्क्वायर आएगा और माइनस x स्क्वायर कॉमन हो गया तो अल्फा बच गया, फिर ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आएगा और गामा से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस गामा x स्क्वायर आएगा, गामा माइनस x स्क्वायर कॉमन हो गया तो गामा बच गया, ऐसे ही इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहला और तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा और फिर बीच वाले से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीटा स्क्वायर मतलब बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहां बच गया, प्लस x का कोफिशियंट ढूंढते हैं, x का हमको पता नहीं है कि प्लस होगा कि माइनस, हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, हमको पता नहीं है कि क्या होने वाला है, जरा एक बार देख लेते हैं x का कोफिशियंट कब आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये b, ये x को मल्टीप्लाई करो बीटा और गामा से, बीटा और गामा इंटू x, तो मतलब बीटा गामा x फिर अल्फा बीटा x फिर अल्फा गामा x, ये बीच वाला x अल्फा गामा x, तो x x का आ रहा है प्लस आ रहा है हर बार, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब तीसरा वाला देखो, अब तो एक क्यूबिक आ गया, स्क्वायर आ गया, एक्स आ गया, अब इसके बाद कांस्टेंट टर्म बचेगा, तो इस तीनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस मतलब माइनस हो गया,
अल्फा बीटा गामा इक्वल टू जीरो, ये भी इसी के रूट्स हैं। तो ये दोनों सेम इक्वेशन लिखी गई हैं, दोनों सेम लिखे गए, तो कंपेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कंपेयर। कंपेयर करने के लिए यहां पे यहां भी एक बात और लिखेंगे कि क्यूबिक है, सिंस क्यूबिक इक्वेशन देयरफोर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए मतलब लीडिंग कोफिशियंट, आपका लीडिंग कोफिशियंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो, इसमें से फिर मैंने यहां भी ए से डिवाइड करके कंपेयर करने वाला हूं। कंपेयर करूंगा तो पहले दोनों का ये या तो डिवाइड कर दें, सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें तो डिवाइड कर लें, यानी इनके कोफिशियंट को डिवाइड करके लिख लें, या फिर यहां से ए स्क्वायर ए को गायब कर लें, दोनों का ये एक्स क्यूब सेम तरह से दिखने लगे, तो यहां पर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई ए। ए से डिवाइड करते ही आपका हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर हो जाएगा प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इज इक्वल टू जीरो। अब अगर हम कहें कि ये इक्वेशन आपकी, मान लो ये वाली इक्वेशन आपकी वन थी, ये वाली इक्वेशन आपकी टू है, ये वाली इक्वेशन आपकी अगर थ्री है, तो टू और थ्री को कंपेयर करो, कंपेयर टू एंड थ्री। अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा देखो तो बच्चों, क्या यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका कोफिशिएंट माइनस है, इसका प्लस है, तो क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस बी बाई ए आ रही है क्या? स्टिल अभी भी वही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, इस बार ए एक्स क्यूब का कोफिशियंट है और बी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है। अब देखो मैं लिखने के आधार पर आ गया हूं, एक और चीज ये देखो, तो x का कोफिशियंट कंपेयर किया जाए, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू आ गया c बाई ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू आ गया माइनस डी बाई ए, मतलब क्या मिला? जरा देखो यहां पे दोबारा मैं इन चीजों को एक साथ कर देता हूं, दोबारा लिख देता हूं, क्या मिला यहां पे कि पहले तो हम लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या मिला? माइनस बी बाई ए। बच्चों ये तो मैं यहाँ पे अच्छा सुंदर लगने के लिए घेर दिया, पर हमको समझना क्या है कि सम ऑफ रूट्स जो होता है माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री लेस देन वन, मतलब हाईएस्ट डिग्री से हाईएस्ट पावर लेस देन वन एक कम, हाईएस्ट डिग्री से एक कम। जैसे क्यूबिक है, यहां देखो तो जैसे क्यूबिक है यहां पे, तो क्यूबिक से एक कम आपका स्क्वायर क्यूबिक से एक कम स्क्वायर का कोफिशियंट बी, पीछे माइनस, मतलब एक कम। क्वाड्रेटिक वाले में एक्स स्क्वायर के बाद एक्स था, तो हाईएस्ट से एक कम, तो एक कम ये हो गया, नीचे क्या आ जाएगा, ये आज भी लीडिंग कोफिशियंट है। तो हम ये आपको कहेंगे कि हमेशा ये याद रखना कि सम ऑफ रूट्स जो होता है हाईएस्ट डिग्री के कोफिशियंट से एक कम डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशियंट। फिर दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसके लिए मैं ज्यादा कुछ पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, वो आपको पता है, एक और कम कर देंगे तो आपका सीधे वही आपका पहला माइनस दूसरा सी बाई ए, पहला माइनस मतलब देखो यहां पर, देखो पहले यहां बी से स्टार्ट होगा तो माइनस प्लस माइनस, अगर ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस लगातार चलेगा, तो क्या हो जाएगा सी बाई ए। फिर तीसरा यहां पे है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको बोलेंगे आपका कितना आ गया माइनस डी बाई ए, और इसको दूसरे टर्म में लिखते हैं कि माइनस ऑफ या माइनस वन की पावर थ्री। देखो मैंने क्या लिखा, माइनस वन की पावर थ्री, अ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशियंट। देखो बच्चों ये हो गया, एक और बात यहीं पे मैं क्लियर कर दे रहा हूं, नोटेशन में एक और बात मैं क्लियर कर दे रहा हूं, क्योंकि आगे हमें दिक्कत ना हो इसलिए मैं यहीं पे नोटेशन में अपनी बात मैं यहीं पे रख दे रहा हूं। नोटेशन में क्या रखने जा रहा हूं आपका, नोटेशन में ये रख रहा हूं कि देखो कई बार आपको आगे चल के सिग्मा अल्फा
का मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा पहले नोटेशन में लिख रहा हूं, पहला क्यूबिक के लिए लिख रहा हूं, किसके लिए लिख रहा हूं मैं, क्यूबिक के लिए। क्यूबिक में तीन रूट होंगे, अपने आप यहां पे तीन रूट हम समझ लेंगे कि तीन रूट है, तो ये सिग्मा अल्फा का मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। या थोड़ा सा और मैं चेंज करता हूं, मैं लिखता हूं आपका पहले क्वाड्रेटिक से, नोटेशन को ध्यान से रखे लिखेंगे, पहले मैं क्वाड्रेटिक से लिख रहा हूं, लाइक पहला मैं लिख रहा हूं इसमें क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए आपका अगर लिखा है सिग्मा अल्फा क्वाड्रेटिक का मतलब इसके दो रूट हो जाएंगे अल्फा बीटा, तो सिग्मा अल्फा लिखा है मतलब सिग्मा का मतलब होता है सम, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और अगर लिखा है प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है, देखो मैंने पहले पहले दिन लेक्चर में बताया था ये वाली बात, तो अगर ये लिखा है मतलब प्रोडक्ट, अल्फा का मतलब हो गया जितने रूट से सबका प्रोडक्ट, आई बात समझ में। अगर दूसरा क्यूबिक के लिए मैं लिखूं तो क्यूबिक के लिए लिखूं तो कितने रूट हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा, तीन रूट हो जाएंगे, तो उस केस में सिग्मा अल्फा का मतलब हो जाएगा जितने रूट है सबका सम अल्फा बीटा गामा, और सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब हो जाता है कि जितने रूट से उनमें दो दो के प्रोडक्ट का सिग्मा मतलब सम, दो दो अल्फा बीटा का मतलब दो दो के प्रोडक्ट का सम, क्या क्या संभव है, अल्फा बीटा संभव है, बीटा गामा संभव है, अल्फा गामा संभव है। ये देखो आया भी है ऊपर कहीं, ये सेकेंड वाला, ये वाला टर्म यहाँ पीछे देखो यहाँ पे आया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हो जाएगा ये अल्फा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये वाला आया हुआ है, ये वाला टर्म, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा। और जब तीसरे कभी ऐसे लिखा हो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा, तो इसका मतलब है कि जितने रूट है सबका प्रोडक्ट, क्यूबिक है तो जितना है उसका अल्फा बीटा गामा। इतना ही नहीं, अगर मान लो बाई क्वाड्रेटिक आपके सामने आ गया, मैं थोड़ा सा बस आपके सामने इतने को मिटा के लिख रहा हूं, अगर बाई क्वाड्रेटिक आ गया तो बाई क्वाड्रेटिक के केस में हम कैसे इसी चीज को समझेंगे, बाकी बाई क्वाड्रेटिक थोड़ा आगे पढ़ेंगे, बाई क्वाड्रेटिक के केस में हम कैसे इस चीज को समझेंगे, आओ देखते हैं फटाफट बाई क्वाड्रेटिक के लिए। अगर बाई क्वाड्रेटिक कभी लिखा है तीसरे नंबर पे, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब डिग्री चार, बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री चार, रूट चार अल्फा बीटा गामा डेल्टा, चार हो गए, तो पहला अगर इसमें लिखा हो सिग्मा अल्फा, तो इसका मतलब हो जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, मतलब सभी रूट्स का सम। दूसरा सिग्मा अल्फा बीटा, यानी दो दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम, तो क्या संभावना है, अल्फा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा, फिर बीटा गामा बीटा डेल्टा, फिर गामा डेल्टा, इसके अलावा कोई संभावना नहीं, आप ढूंढ लो। अल्फा के साथ तीनों का प्रोडक्ट, बीटा के साथ आगे दोनों का, गामा का उसके आगे साथ, ये आपका प्रोडक्ट संभव है। फिर एक और यहां पे संभावना हो सकता है अल्फा बीटा गामा, तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, क्या क्या, अल्फा बीटा गामा, देखो पहला अल्फा बीटा गामा, दूसरा फिर अल्फा को रोक लो, अल्फा बीटा को रोक लो, डेल्टा ले आ दो, फिर अल्फा गामा को रोक लो, गामा डेल्टा ले आ दो, अल्फा गामा डेल्टा ला दो, अल्फा यही है, बीटा को रोक दो, गामा डेल्टा ला दो, और इस बार अल्फा को रोक दो, और आपका अल्फा को रोक दो, बीटा गामा डेल्टा, इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तो ये तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, पहले एक लिखे, फिर दो, फिर तीन, फिर और क्या चांस बचता है, चारों के चारों, नहीं चारों के चारों अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब यहां पे सिग्मा लगाना बेवकूफी है, क्योंकि आपका इसके बाद कोई और संभावना बनती नहीं है, तो इसी चीज को दिखाया जाता है, इसी चीज को लिखा जाता है आपका, इसी चीज को लिखा जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ अल्फा, मतलब जितने रूट्स हैं सबका प्रोडक्ट, और इसको नोटेशन हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो देखो मैंने नोटेशन लिखा दिया कि अलग अलग तरह के लोगों का नोटेशन कैसे होगा, बाकी थोड़ा सा बाई क्वालिटी के बारे में बताकर और आज का लेक्चर इसी पे बाइंड अप कर देंगे। चलो ठीक है, अब इसको हम अब आगे थोड़ा सा बाई क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। 15वें पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं, 15 पॉइंट आपका है कि आपका, जैसे मान लो मैं बात क्या बोलने वाला था कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक के बारे में बात करते हैं अपन लोग, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, तो क्या हो जाएगा, कुल मिला के बाई क्वाड्रेटिक के मतलब डिग्री चार,
कितनी डिग्री, डिग्री चार, यहां तक बोलेंगे, इसके बाद हम जनरलाइज कर देंगे भाई, इसके बाद हम जनरलाइज कर देंगे, यहां तक डिग्री चार, यानी आपका इक्वेशन पहले क्या हो जाएगी, इक्वेशन लिखने का तरीका हो जाएगा आपका, देखो अभी भी मैं वही लिख रहा हूं, ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस आपका सी ए बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक और नया टर्म आके जुड़ जाएगा इक्वल टू जीरो। यहां फिर से ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक तभी तक रहेगी जब तक लीडिंग कोफिशियंट आपका नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, तभी बाई क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये जीरो होते ही क्यूबिक बन जाएगा, ये क्यूबिक बन जाएगा, जीरो होते ही क्यूबिक बन जाएगा। फिर क्या होगा, तो मैंने कहा कि अगर ये ऐसा है तो इसके चार रूट होंगे इस बार, क्या क्या, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, चार रूट होंगे, तो अगर चार रूट होंगे तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, क्या इनको एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा एक्स माइनस डेल्टा इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। अब एक बात यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये और ये को पिछले वाले की तरफ फिर से मैं कंपेयर करूंगा, कब, इसको पहले ए से डिवाइड मार के, पहले यहां पे इसको मैं क्या करूंगा, ए से डिवाइड करूंगा, डिवाइडेड बाई ए, डिवाइडेड बाई ए, ए से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस बी बाई ए एक्स क्यूब फिर प्लस सी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई ए एक्स प्लस ई, बिना बकवास के काम कर, अपना काम की बात करते हैं, यहां भी अब फिर इनको कंपेयर करेंगे सब कुछ वैसे ही आएगा, देखो कुछ कुछ चीजें बदलेगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, जिसको कि पीछे हम नोटेशन में डाल चुके हैं, सिग्मा अल्फा लिखेंगे, क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस बी बाई ए, हम स्टिल बोलेंगे कि ये लिखने का तरीका है माइनस कोफिशियंट ऑफ हाइएस्ट पावर लेस देन वन, लेस देन वन अपॉन नीचे हो जाएगा लीडिंग कोफिशियंट, वही बात है, ये हमेशा कभी नहीं बदलेगा, ये वाला वर्ड कभी नहीं बदलेगा, अगर आप इसको समझ लेते हो तो माइनस बी बाई ए से अपने कोई मतलब नहीं है, माइनस आप हाइएस्ट से एक कम, हाइएस्ट से एक कम, हाइएस्ट आपका चार है उससे कम तीन, तीन का कोफिशियंट बी, माइनस बी, माइनस प्लस लगा बी अपॉन ए, फिर आपका दूसरा आपका वही अल्फा बीटा बीटा अल्फा गामा अल्फा डेल्टा डेल्टा बीटा गामा गामा बीटा डेल्टा गामा डेल्टा, ये इज इक्वल टू, इसको हमने बोला सिग्मा अल्फा बीटा, ये देखो लगातार चलता है माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका, देखो माइनस हो चुका है प्लस सी बाई ए, तो ये सी बाई ए, फिर यही अल्फा बीटा, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, लिखा चुका हूं पीछे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस प्लस माइनस माइनस डी बाई ए, फिर आपका सबका प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा सबका प्रोडक्ट, तो ये देखो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो e बाई ए, सॉरी यहाँ पे ए छूट गया है, e बाई ए, तो e बाई ए, आ रही बात समझ में, इसी चीज को लिखने का एक और तरीका है कि अब देखो, देखो यही दो बातें हम विशेष तौर से ध्यान देंगे, सम ऑफ रूट्स पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, सिग्मा अल्फा पे ध्यान देंगे, ये आया है माइनस बी बाई ए, मतलब ये हमेशा ही माइनस वही लीडिंग कोफिशियंट ऑफ, वो लिख नहीं रहा हूं, कोफिशियंट ऑफ ये वाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, क्या आया है e बाई ए, इसको लिखूंगा माइनस वन टू दी पावर फोर e बाई ए, पता है ये क्यों लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि अगर मान लो आपके सामने इक्वेशन ऐसे आ गई, इक्वेशन आ गई आपके सामने कि a a n x की पावर n प्लस चाहे a x की पावर n फिर a a n माइनस वन x की पावर n माइनस वन, ध्यान देना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे सिर्फ a लिया हूं, a n नहीं लिया हूं, a फिर ये आपका आपका ऐसे ही यहां पे लेता हूं, वही लेता हूं a n माइनस वन, ताकि ताकि समझने में आसानी रहेगी, फिर मैंने लिया ऐसे ही a n माइनस टू x की पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 आखिरी टर्म में a नॉट इक्वल टू जीरो, कितने रूट होंगे इसके, कितने रूट होंगे यहां पे, n रूट हो जाएंगे, n रूट होंगे, क्या n रूट हो जाएंगे, मैक्सिमम रूट मतलब मैक्सिमम n होंगे, मैक्सिमम n के बाद अगर हम कहें कि आपको सबसे पहले सम ऑफ रूट्स के बारे में बताना है, मतलब वही अल्फा वन अल्फा टू डॉट 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 सारे अल्फा रूट्स का, अल्फा वन से लेकर अल्फा वन n के बारे में, तो पहले माइनस हाइएस्ट से एक कम, x की पावर n से एक कम, क्या हो जाएगा यहां पे, ए एन माइनस वन अपॉन लीडिंग आपका
फिर से an, और दूसरा जो पूछा जाएगा इतने बड़ी के लिए वो अधिकतम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में पूछा जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब वही अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री डॉट 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 अल्फा एन क्या हो जाएगा माइनस वन टू द पावर एन, क्योंकि नहीं पता कि डिग्री क्या है, इवन है कि ऑड है, उसमें भी नहीं पता है कि कब आपका प्लस होगा कब माइनस होगा, चेंज हो रहा हो तो प्लस माइनस, तो माइनस वन टू द पावर एन जितना डिग्री अपॉन ये कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। जैसे सपोज मैंने एक सवाल लिया कि ए कि 3x की पावर 16 माइनस x की पावर 4x की पावर 15 माइनस x की पावर 3x की पावर 3x की पावर आपका 12 प्लस डॉट 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 5 इक्वल टू 0। अब मैं पूछूं कि सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो आप फटाफट बोलोगे कि सर माइनस फिर हाईएस्ट से एक कम का कोफिशियंट मतलब माइनस 4 अपॉन नीचे में 3 यानी 4/3। बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दो, तो सर जी आएगा माइनस 1 टू द पावर डिग्री कितना है तो 16 इंटू कॉन्स्टेंट ऑफ 5 और लीडिंग कोफिशियंट आपका है 3, तो यहां पे हो जाएगा 3 मतलब 5/3। लेकिन अगर सवाल ये हो गया 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, अब बताओ सम ऑफ रूट्स मैंने पूछ लिया माइनस हाईएस्ट को हाईएस्ट से एक कम, हाईएस्ट कितना है यहां पे 3, इससे कम कितना डिग्री होगा 2, इसके देखो तो यहां कहीं पे 2 अवेलेबल है क्या, 2 नहीं है, 2 है क्या नहीं, अगर 2 नहीं है तो उसका कोफिशियंट कितना 0, जो नहीं अवेलेबल है उसको 0, क्योंकि ये लिखा कैसे गया होगा, ये लिखा गया होगा 5x³ माइनस प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, देखो कोई फर्क नहीं पड़ा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा इस बार माइनस आप देखो हाईएस्ट से कम 0 अपॉन 5 यानी आ गया 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा तो माइनस 1 टू द पावर 3 इंटू कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस 2 अपॉन 5, आंसर हो गया माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 5। बोलो बच्चों बात समझ में आ रहा है, तो ये हो गया, बाकी इस पे कुछ क्वेश्चंस हम कम कल करेंगे, कल इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कुछ फार्मूले के साथ, कल क्वेश्चंस यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इसके क्वेश्चंस के ऊपर प्रोसीड करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, चलो आज के लिए इतना ही बस, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाकी कल मिलते हैं हम।